गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले जो ई लाइन ऑनलाइन का वो था कंटेंट, उसमें हमने फिफो मेथड के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से फिफो मेथड के द्वारा स्टॉक स्ट्रक्चर का निर्माण या बनाई जाती है। अब हम आज लास्ट वीक का स्टॉक मेथड फिफो मेथड के आधार पर स्टॉक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्टॉक स्ट्रक्चर का भाग हुआ और 5800 माइनस
दिनांक 20/1/2013 को 3000 यूनिट प्राप्त हुई है। 3000 यूनिट उनकी रेट है 1.80 रुपये। 1.80 रुपये के हिसाब से 3000 यूनिट के हो गए 5400 रुपए। बैलेंस हो गया आपके पास 1500 यूनिट तो ये हो गई और 3000 ये हो गई तो टोटल 4500 और 1500 यूनिट 1500 तो ये और 1500 रुपए ये तो 6900। अब आगे जो और फर्दर इशू करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे और फर्दर इशू करेंगे तो लास्ट वाली कौन सी यूनिट अपने पास 3000 वाली। तो सबसे पहले 3000 वाली यूनिट को अपन इशू करेंगे इशू करेंगे। अब दिनांक 25/1/2013 25/1/2013 क्या हुआ 25/1/2013 को 2500 यूनिट इशू की गई। 2500 यूनिट किस पे इशू करेंगे 2500 यूनिट क्या 3000 में इशू हो जाएगी पूरी पूरी क्योंकि लास्ट वाली जो इकाई है उसकी रेट है 1.80 रुपये। 1.80 रुपये के हिसाब से 3000 यूनिट अपने पास खाते में पहले से पड़ी है। जो सबसे लास्ट में आएंगे ना अभी इशू करनी है वो कितनी करनी है 2500 यूनिट। तो सबसे पहले 3000 में से 2500 यूनिट इशू करेंगे अपन। 2500 यूनिट 1.80 रुपये के हिसाब से कितने की हो गई 2500 रुपए 4500 रुपए। अब फिगर 4500 माइनस 2500 4500 में से 2500 घटाए तो अपने पास जो यूनिट शेष रही 2000 यूनिट और 6900 में से 4500 रुपए घटा दिए तो अमाउंट रह गई वो रह गई 2500। और आगे करके अपन इशू करेंगे तो बैलेंस के हिसाब से 3000 में से 1.80 रुपये की कितनी बच गई 500 यूनिट 1.80 रुपये की और 1500 यूनिट 1 रुपये की। तो अमाउंट को अगर क्रॉस चेक करना है तो इस हिसाब से कर ले 500 यूनिट 1.80 रुपये और 1500 यूनिट 1 रुपये के हिसाब से। तो 500 यूनिट 1.80 रुपये के हिसाब से अपने पास होती है कितने की 98 94 98 90 900 रुपये और 1500 यूनिट टोटल कितना हुआ 1 रुपये के हिसाब से 400 रुपये। मतलब अपना जो क्रॉस चेनिंग है वो मैच नहीं कर रहा। अपना जो क्रॉस चेनिंग है वो मैच नहीं कर रहा मतलब करने नहीं गड़बड़ है। अब अपन चेक करते हैं कहां गड़बड़ हुई। गड़बड़ यहां हुई है ये अपन ने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है 6200 में से घटाए 4500 रुपए तो कितने पैसे होने चाहिए थे 2400 रुपए। इस प्रकार से अपन इसको क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि अपन ने कितनी यूनिट का स्टोर में रही है और उसका मूल्य क्या है। इस प्रकार से जो अपना क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा यहां 4500 यहां आ जाएगा 2400 ये इससे मैच कर गया। मतलब अपने जो क्रॉस टेबल बनाई है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के आधार पे भी अपन स्टोर्स लेदर का निर्माण कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना होगा कि जो भी मेथड अपन स्टोर्स लेदर बनाने के लिए यूज लें वो
वो कंटिन्यू उसी तरह चलेगा, ऐसा नहीं कि बीच में जैसे लीगो मेथड अपना लिया फिर फीफो अपना लिया या फिर अन्य कोई विध प्रविधि अपना ली, जो भी मेथड यूज आएगा वो कंटिन्यू रहेगा और वही मेथड हमेशा अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन जो भी अपन कंटेंट देंगे उसमें न्यूनतम मूल्य या न्यूनतम सामग्री आधार मूल्य रीति का उपयोग करेंगे। फीफो में भी वो यूज हो सकता है और फीफो में भी वो यूज हो सकता है। न्यूनतम सामग्री आधार का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2000 यूनिट शुरू में आई थी, इसमें से 500 यूनिट तो हमेशा नहीं है, तो ये 500 यूनिट कभी इशू नहीं होगी, लास्ट तक ये अपने पास रहेगी आधार शेष के रूप में। थैंक यू दोस्तों।